अच्छा इमरान खान का ब्लैकबेरी आपके पास है, वो बताइएगा कब मार्केट में आ रहा है और उसका क्या क्या प्राइस है। ये मेरा ख्याल है कि ये रात ने आपको लीगल नोटिस भेजा है, तो उसमें आपके पास क्या है ऐसा शवाई ना ब्लैकबेरी में, और उसमें क्या है ऐसा रात वीडियो का। अब देखिए अगर मैंने वीडियोस की बात की तो फिर आप मुझे किसी और खातून वेमन लीडर के साथ करा देंगे, ये मैं नहीं चाहती। लेकिन है मेरे पास नहीं है, बड़ी सेफ जगह पे है। अगर लोग चाहते हैं, आजकल आपको पता है वैसे यू नो वीडियोस का ऑडियोस का ज़माना, लोग वो कह रहे थे कि दूसरी किताब पहली किताब तो पढ़ते नहीं है, आजकल इदारिया आपके पढ़ते नहीं है। हमने देखा है पोलिटिकल लीडर्स को इदारिये इधर हटा के और व्हाट्सएप पर वापस जाते हुए। तो आई थिंक कि अगर लोग चाहते हैं कि मतलब एक किताब से नहीं रजे, तो वो ब्लैकबेरी है, बड़ी महफूज मकाम पे है, किसी फैमिली मेंबर के पास नहीं है। तो आपको क्या करेंगे? मैंने कहा बड़ी महफूज जगह पे है, महफूज हाथों में है, मैं रहूँ ना रहूँ ब्लैकबेरी रहेगा। एक किताब लिख के एक ऐसी बहस छेड़ दी जो इस माशरे में शायद नहीं होनी चाहिए, और आपके जो एक्स हस्बैंड है यानी कि इमरान खान साहब, उन्होंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, क्या आप समझती हैं आपने ऐसा ही किया? पहली बात यह कि अगर कोई तनकीद करा तो वो फिर चाहने वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो बिलीव करते हैं कि तंजिया चाहने वाले जी, मैं समझ रही हूँ, पर मैं वजाहत कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है पहले मेरी अंग्रेज़ी नहीं लोगों को समझ आती थी। आप कह रहे हैं कि दूसरी किताब कब लिखेंगे, पहली वाली तो पूरे पढ़ लें। तो अभी सुना है कि अब काफ़ी मुताला 4 साल के बाद हो रहा है, तो अगर यही तो 4 साल के बाद मेरा ख्याल है मैं आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, पहले भी बड़ी देर लगी किताब लिखने में। मैं समझती हूँ कि जो रूल्स हैं ना, जो ख़वातीन के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, वो रूल्स ख़वातीन नहीं बनाती। एंड अगर मैं इसके बारे में क्या कहती हूँ, मैं समझती हूँ कि मेरी कहानी जो मैंने जो शुरू में भी बयान किया, जो मेरा लिव्ड इन एक्सपीरियंस है वो आप नहीं लिख सकते, और जो आपका लिव्ड इन एक्सपीरियंस है वो मैं नहीं लिख सकती। मैं किसी और शख्स का जो तजर्बा है ज़िंदगी का वो नहीं लिख सकती। तो मेरी कहानी मेरे ज़बानी ही सुनानी चाहिए थी, और मैंने जिस नीयत से लिखी, बाकी यू आर फ्री टू जज, लेकिन मैंने इस नीयत से लिखी कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ बहुत सी हादसा हुए हैं मेरे साथ ज़िंदगी में, और मेरा ख्याल है कि बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने जब किताब पढ़ी है या पढ़ेंगी तो वो ये महसूस करेंगी कि उनकी, और बहुत से मर्द हज़रात ने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा है कि सारी हादसा तो नहीं हुए लेकिन ये एक बात हमारे साथ ज़रूर हुई है, या मेरी माँ के साथ हुई है, मेरी बहन के साथ हुई, मेरी दोस्त के साथ हुई। क्योंकि जो वाक़यात मैंने लिखे हैं वो लिखने ज़रूरी थे, वो बातें की निशानदेही करनी ज़रूरी थी, और मैं ये समझती हूँ कि ये रेहम खान ही लिख सकती थी। उसकी वजह यह है कि बहुत सी खवातीन ने मुझे ये कहा, मैं आपको कोट अनकोट एक खातून का मैसेज बता रही हूँ की वो वाइफ है, और उन्होंने मुझे कहा कि रेहम जब मैं सफ़ा पलट थी तो हमारी जो आवाज़ निकल नहीं सकी वो आवाज़ सुनाई देती थी। देखिए मेरे ऊपर वो कंट्रोल नहीं है, मैं ना पहले कभी किसी की पपेट थी ना आज किसी की पपेट थी, तो मेरे ऊपर वो मसाइल नहीं हैं जो अगर कोई और बच्ची लिखे, उसकी सास होगी, उसका ससुर होगा, उसका देवर होगा, उसका हस्बैंड होगा, उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसका बेटा उसको रोकेगा। ख़वातीन के जो मसाइल हैं, जो मैंने बात लिखी, जो मेरे साथ हुआ, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, शायद इस लेवल पे नहीं होता, इट्स अ हायर प्लेटफॉर्म, इट्स अ बिगर, इट्स अ पब्लिक प्रोफाइल। ये बात मैं समझती हूँ करनी बहुत ज़रूरी थी। मैंने इस नीयत से लिखी कि जब मैं चली जाऊँ तो मेरे बच्चे भी पढ़ लें, ख़वातीन पढ़ लें, आप लोग पढ़ लें। मैंने वोटिंग ट्रेंड्स के बारे में लिखा है, अपनी गलतियाँ लिखी हैं, बताया है कि क्यों हादसा हुए, और मैंने ये माना है कि जो हादसा भी हुए वो मेरी अपनी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से हुई, लेकिन आई स्टिल हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस। सो मैं आपका सवाल है नॉट शेयर कि नहीं, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, आई थिंक आई डिड द राइट थिंग, एंड आई थिंक कि मेरी वजह से लोगों को बहुत हिम्मत मिली है, थोड़ी सी और हिम्मत की ज़रूरत है। अब आप देख रहे हैं और भी लोग किताबें लिखने की बात कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन था? आपकी किताब का वो कौन सा ऐसा पेज है जो सबको परेशान करता है, जो पेज नंबर बनाता है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी किताब का हर पेज ही पढ़ने से ताल्लुक रखता है, और मेरा ख्याल था कि मेरी वफात के बाद शायद 20 साल बाद शायद लोग याद करें कि ये पढ़ना चाहिए था। मुझे पता नहीं था कि 20 हफ्तों में लोग खुद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट। हाँ जी, मज़े की बात ये है कि जो लोग ये चाहते थे कि ये किताब पाकिस्तान में
आए और पब्लिश ना हो, और चाहते थे कि इलेक्शन से बहुत पहले ये ख़त्म हो जाए कि इलेक्शन इफेक्ट हो। उन्होंने कितने साल हो गए, 4 साल हो गए जी, इट्स एवरग्रीन, इट्स नॉट हैड अ शेल्फ लाइफ। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, तुम्हें दिल से शुक्रगुजार हूँ।